नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। गेहूं की कटाई करनाल जिला में भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिला में 500 से अधिक कंबाइन खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को काटेगी। हालांकि मजदूरों की कमी जरूर खलेगी, लेकिन किसानों द्वारा कंबाइनों से ही कटाई का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए करनाल प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी भी किसान को गेहूं बेचते समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा कड़े प्रबंध किए गए हैं। कृषि विभाग ने भी कंबाइन संचालकों व हार्वेस्टर करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग के ताजा निर्देशों के अनुसार गेहूं कटाई का अधिक से अधिक कार्य कंबाइन या एग्रीकल्चर मशीनरी से ही करवाया जाए। हाथ से गेहूं कटाई को आखिरी ऑप्शन माना जाए तो बेहतर रहेगा। खेत में कंबाइन या मशीनरी के दाखिल होने से ठीक पहले चालकों को खुद को सैनिटाइज करना होगा। हाथ से फसल कटाई करने वालों को भी दिन में 3 से 5 बार खुद को सैनिटाइजर या साबुन से सैनिटाइज करना चाहिए। जो औजार एक व्यक्ति कटाई के समय प्रयोग करे, उसे दूसरा व्यक्ति प्रयोग ना करे। कंबाइन चलाने वालों को सरकार की ओर से पास दिए गए हैं, ताकि उनकी आवाजाही में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। कटाई में जुटे लोगों को भी हेल्थ वर्करों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। गेहूं कटाई के समय अक्सर देखा जाता है कि सभी व्यक्ति खेत में एक ही पेड़ के नीचे या खेत में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उनसे आह्वान किया गया है कि वे खाना खाते समय 3 मीटर का फासला बनाए रखें, ताकि कोरोना का फैलाव रोका जा सके। कंबाइन चलाने वालों की संख्या 2 से 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कटाई के समय जो कपड़े पहने जाएं, उन्हें दूसरी बार धोकर ही पहनें। अक्सर यह देखा गया है कि किसान या मजदूर इन्हीं कपड़ों को पूरा सीजन कटाई के वक्त पहनते रहते हैं। यही नहीं, खाने पीने की चीजों का प्रयोग अलग अलग ही किया जाए। मास्क और ग्लव का प्रयोग किया जाए। खेत के मुखिया को भी अपना इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल में स्थित दुकानदारों तथा कंबाइन संचालकों से बात की। आइए, क्या कुछ कहा दुकानदारों तथा कंबाइन संचालकों ने, आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, करनाल से संवाददाता तरुण मदान की है एक विशेष रिपोर्ट। मैं तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि रबी का सीजन लगभग स्टार्ट हो चुका है। सरसों की खरीद पर 15 तारीख से सरकार ने शुरू कर दी है और गेहूं की खरीद 20 तारीख से शुरू होगी। इसके लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध भी किए हुए हैं। बाकायदा खरीद के केंद्र बनाए गए हैं, नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसानों को कोई समस्या ना, इसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लेकिन इस समय जो बड़ी बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही थी, वो यह थी कि प्रवासी मजदूरों के ना चलते कंबाइनों के कामों पर कितना असर पड़ेगा, उनको लाभ होगा कि नुकसान होगा। इस बात की जानकारी लेने के लिए हम एक व्यापारी तक पहुंचे हैं, जिनका कि कंबाइन स्पेयर पार्ट्स का काम है और इस समय उनकी दुकान है मेरठ रोड पर स्थित गुरु कृपा कंबाइन स्पेयर पार्ट्स के नाम से। हमारे साथ मौजूद हैं इस दुकान के मालिक। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कुछ बातों से। सर, सबसे पहले आपका नाम? संतोख सिंह। संतोख सिंह जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे अब फसल की कटाई है, गेहूं का सीजन चल रहा है, तो जैसे अब कल रात को बारिश हो गई, इस बारिश से अब कंबाइन क्या खेतों के अंदर जा सकेगी या लेट हो जाएगी? कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, लेट भी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा डल जाता, बारिश ज़्यादा जो हो जाती तो लेट भी हो जाती है। अब 10-11 बजे के करीब चल जाएगी थोड़ी थोड़ी, तो ज़्यादा बारिश होने से तो परेशानी है, पर प्रशासन ने हमारे को बहुत सहूलियत दे दी है। DC साहब ने 9 से 2 बजे का टाइम दिया था, इससे जो हमारे ये बेचारे अपना पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। किसानों को रोका नहीं, तंग नहीं किया, वो अपना सामान लेके वापस चले जाते हैं टाइम से। रिपर वाले भी आते हैं, वो भी अपना टाइम से सामान लेकर वापस जा रहे हैं। अगर ये प्रशासन थोड़ा टाइट ज़्यादा हो जाता है तो किसानों को परेशानी आती, फसल ख़राब हो जाती। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, किसानों का साथ दिया है, बहुत अच्छे तरीके से ढंग से चल रहा है। मतलब सर, जिले में, करनाल जिले की अगर बात की जाए तो कितनी कंबाइन होंगी? लगभग 1200 कंबाइन होंगी। हाँ जी सर, ये कैसा होता है कि हमारे यहाँ से हरियाणा से कंबाइनें दूसरे प्रांतों की ओर जाती है, दूसरे जिलों में जाती, दूसरे राज्यों में जाती है, और दूसरे राज्यों की जो कंबाइंस हैं वो हरियाणा में आती हैं, ऐसा क्या होता है? तो वो वहाँ से आ रही हैं जी, रास्ते में बता रहे हैं कंबाइनों ड्राइवरों भी और मालिक भी कि रास्ते में चेक करते हैं, चेक करके फिर यहाँ भी जहाँ जाऊँ उन्होंने जाना उस एरिए में वो चेकिंग उनकी हो रही है। तो आगे जो नेगेटिव आएगा वो तो घर जाएंगे, या जैसे भी इनका
कोई हिसाब किताब है जी। तो जो पॉजिटिव आएंगे उनको दवाई दुवाई देंगे ये लोग। लेकिन इनका ये गुरु कृपा स्पेयर पार्ट्स के ओनर थे हमारे साथ, इन्होंने ये बताया कि प्रशासन ने जिस हिसाब से हमारा सहयोग किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। अगर ये थोड़ा और लेट दुकानों को परमिशन मिलती तो नुकसान भी संभव था, हम किसानों को और इनको सबको परेशानी आनी थी। एक और हमारे सज्जन मौजूद है, वो शायद कंबाइन का स्पेयर पार्ट लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। सर सबसे पहले आपका नाम? मैं सुखविंदर है जी। सुखविंदर जी आप किस लिए हैं? मैं कंबाइन का सामान लेने आया हूँ जी। सर कंबाइन का, सर आपकी अपनी? हाँ जी कंबाइन अपनी। सर एक समय में शामगढ़ को कंबाइन का केंद्र माना जाता था, क्या ये भी कहा जाता कि शमशान शामगढ़ में हर घर के अंदर एक एक कंबाइन है, ऐसा क्या सत्य था? हाँ जी एक ज्यादा भी हैं, दो भी हैं, तीन भी हैं जी, कम से कम भी शामगढ़ में ही 200 कंबाइन होंगी गाँव में, ज्यादा ही हों, उससे क्या पता ज्यादा ही हो सकती है। सर जैसे लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने दुकानें खोलने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी थी और अब सरकार ने परमिशन भी दे दी, अब इसे इसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का, जो इतना टाइम मिला हमारे को, इसमें अपना आ रहे हैं टाइम से, अपना सामान लेके अपना जा रहे हैं और मशीन अब चालू हो गई है, खेत कटाई के चालू कर दी है। सर सरकार ने एक कंबाइन, मेरी तो जितनी नॉलेज है पहले ये कहा जाता था कि ये कंबाइन पर 5 लोग काम करते थे, लेकिन अब सरकार ने मात्र 3 से 4 लोगों की परमिशन दी है, क्या ये सत्य है? 3 है कि 4 हैं? हाँ जी हाँ जी तीन कहे हैं उन्होंने, बाकी ठीक है 3 से काम चल सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है कि 5 की ही जरूरत है, 3 से भी काम चल सकता है। सर पहले कभी कंबाइन 24 घंटे चला करती थी, लेकिन अब ये कहा गया है कि शाम को 7 बजे के बाद कंबाइन नहीं चलेगी। हाँ जी 7 बजे तक का टाइम दिया उन्होंने, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम दिया है, बाकी जो सुबह का 6 बजे का टाइम दिया वो थोड़ा कम है, क्योंकि 6 बजे तो कंबाइन चलती ही नहीं, क्योंकि उस टाइम ओस होती है इसलिए कंबाइन नहीं चल पाती है, तकरीबन जैसे कंबाइन चलती ही 8 बजे के बाद है, तो रात को जैसे 7 बजे का टाइम दिया है, रात को 9-10 तक का टाइम हो जाए तो और भी अच्छा है, बाकी ये भी बहुत है इतना भी टाइम। ठीक है सर, इनका भी ये कहना है कि प्रशासन ने जो पहल की है, जो किसानों और कंबाइन चालकों की सुध ली है, उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और लेट किया जाता तो शायद इनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम है इनके पास कंबाइन चलाने का, सुबह 6 बजे इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि खेतों में ओस होती है और नमी के अंदर कंबाइन का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपका नाम? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह जी, जैसे प्रवासी मजदूर अब नहीं है यहाँ पर, मजदूरों से पहले कटाई का काम लिया जाता था, अब मजदूरों की कमी से कंबाइन के कामों पे कितना फर्क पड़ेगा? काम कंबाइन से अच्छा काम होगा जी, मजदूरों की कमी तो आएगी आएगी, और इससे कंबाइन का काम अच्छा होगा, कंबाइन सारा काम कर लेगा, टाइम ठीक मिला हमें। आपको टाइम तो ठीक मिला, लेकिन जैसे मजदूरों के द्वारा उठाई लदान का या उठाने का काम किया जाता था, उस काम के लिए तो दिक्कत आएगी? हाँ जी उसके लिए तो दिक्कत है, मंडियों में दिक्कत है, लेबर नहीं है तो अपना माल कम जा रहा है मंडी में, 20 तारीख जो बोली आएगी तो माल की तुलाई कम होगी उसके लिए। सर जैसे अब आपकी मशीन है, अब वो बाहर गई है, अब उसने करनाल में आना है वापस, तो उसमें जो लेबर मौजूद होगी, तो सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी लेबर बाहर से आएगी उसका सबसे पहले उसको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्रशासन को देनी होगी, क्या इसके लिए आपने अपने लेबर को कह दिया है कि सबसे पहले आते ही प्रशासन को सूचित करेंगे? हाँ जी हाँ जी, हम जब भी हमारे कंबाइन पहुंचेंगे तो हम अपने लेबर को उसका टेस्ट करवाएंगे और सूचित करके उसके बाद फिर कंबाइन चालू करेंगे। इनका भी ये कहना है कि जो प्रशासन ने हिदायत दी है उसके अनुसार इनकी लेबर जैसे ही करनाल पहुंचेगी प्रशासन को सूचित करेंगे कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और कृपया इनकी जाँच की जाए, उसके बाद जो प्रशासन उचित समझेगा मुनासिब समझेगा वो कर सकता है। ये 100% तन और मन के साथ और धन के साथ प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के साल के लिए तत्पर है। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। सर आपका नाम? सुरविंदर संधु। सर आपका क्या व्यवसाय है? कंबाइन है सर। आप ये कंबाइन क्या हरियाणा में चलते हैं कि दूसरे राज्य? हरियाणा में। तो सर जो सरकार ने कदम उठाए हैं क्या उचित है? हाँ जी ठीक है। और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बस धन्यवाद है सरकार का, जो काम उन्होंने किया ठीक किया। फिर क्या आप जब आप सामान लेने के लिए आते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है? और इसके अलावा जो सरकार ने हिदायत दी है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले? हाँ जी हाँ जी पूरा प्रॉपर उसका वो चल रहा है काम। फिर क्या ऐसा भी हो रहा है कि जो रेट आपको पहले मिलता था उसके दामों में कोई बढ़ोतरी, या कोई दुकानदार ऐसा हो कि जो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान किसानों की या किसी और की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं। देखिए इनका ये कहना है कि कंबाइन के स्पेयर पार्ट बेचने वाले एक ऐसे सज्जन इंसान हैं करनाल के अंदर जो बिल्कुल भी कालाबाजारी को जोर नहीं दे रहे, कालाबाजारी की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ बैठे दुकानदारों ने भी हमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमें समस्या आई है तो इन्होंने रेट डबल कर दिए, दोगुने दाम ले लिए। मैं एक बार फिर इन सबसे अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इनका उचित से उचित पालन करें, दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके चलें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, और जो भी व्यक्ति आता है पहले एक व्यक्ति आएगा उसको फ्री करने के बाद ही दूसरे कस्टमर को अटेंड किया जाएगा। इस समय हम मौजूद है
मेरठ रोड से एक और कंबाइन स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, करनाल प्रशासन द्वारा कंबाइन से संबंधित सभी दुकानदारों को रियायत दी गई है कि वो कुछ समय के लिए अपनी दुकान खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उचित मापदंडों का पालन जरूर करना होगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंस का की पालना हो, चाहे वो मास्क की पालना हो, इसके लिए उनको पालना करनी होगी। कुछ समय निर्धारित किया है, समय के बावजूद अगर वो दुकान खोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं इस दुकान के ओनर, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? विकास बत्रा। बत्रा जी, मैं ये जानने का प्रयास करूंगा करनाल जिले में कितनी कंबाइंस होंगी? कंबाइंस लगभग 500 के आसपास होंगी। क्या सर आपको इतना भी अंदाजा है कि हमारे करनाल में गेहूं कितने क्षेत्र में बीजी जाती है? टोटल करनाल गेहूं से ही है। टोटल करनाल गेहूं से ही। तो सर, जैसे करनाल प्रशासन ने रियायत दी है कि कुछ समय के लिए दुकान खोली जाए या कितने घंटे के लिए दुकान खोली जाए, तो इसके लिए आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन से अपील यही है कि इसको सारे दिन की मोहलत दी जाए, क्योंकि कंबाइन सारा दिन चलती है, रुक जाती है तो फिर दिक्कत होती है, कस्टमर तंग करते हैं। सर, इनका ये कहना है कि सरकार ने रियायत दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बीच राह में अगर कंबाइन रुक जाए तो वह परेशानी का सबब बन जाती है। कस्टमर इनको तंग करते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन चाहकर भी दुकान नहीं खोल पाते, कस्टमर अटेंड नहीं कर पाते। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, वो भी इस दुकान के मालिक हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? पंकज बत्रा। पंकज जी, आप एक बात बताएं कि जो सरकार ने जो पहल की है, इसके लिए अगर इसको थोड़ा सा लॉकडाउन को इसको थोड़ा सा और लेट कर दिया जाता तो इस कटाई पर या जो कंबाइन चालकों पर कितना फर्क पड़ता? बहुत असर होता है, क्योंकि कटाई नहीं होगी तो किसान कहाँ जाएगा। तो सर, अब कोई परेशानी आ रही है आपको? नहीं, परेशानी कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि शाम को जब दुकान हम बिठा देते हैं, उसके बाद कस्टमर हमारे पास जो जिनकी मशीन रुक जाती है वो हमारे को फ़ोन करते हैं, हम वो उनको चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते, तो फिर उनकी मशीनें रुक जाती हैं, जिसके कारण किसान को भी परेशानी है और कंबाइन मालिकों को भी परेशानी है। सर, करनाल जिले में लगभग कितनी कंबाइन होंगे? लगभग 500-550। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था कि जैसे मेरे को ये सुनने में आया कि पहले एक कंबाइन पे 5 व्यक्ति काम करते थे, ठीक है, लेकिन अब सरकार ने जो परमिशन दी है वो 3 व्यक्तियों की दी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, क्या है कि एक कंबाइन के अंदर क्या है कि 5 लोग इसलिए होते हैं कि जो 2 हेल्पर हो गए, 2 ड्राइवर हो गए, 1 फोरमैन हो गया, तो उनके कारण क्या है कि जैसे कोई मशीन में खराबी आ गई तो तीन लोगों को काम नहीं कर पाते जो 5 कर सकते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए तो सरकार ने जो नियम बनाया है उसके हमें फॉलो भी करना चाहिए। सर, इनका ये कहना है कि पहले 5 लोग काम करते थे, सिर्फ मैन पावर की वजह से काम करते थे, लेकिन वही काम अब 3 लोग भी कर रहे हैं। इनका भी ये कहना है कि सरकार अगर थोड़ा सा समय अवधि बढ़ा दे तो किसानों को भी बेहतर लाभ फायदा मिलेगा, कंबाइन सुचारू रूप से चल पड़ेंगी। एक और हमारे साथ सज्जन मौजूद है, वो इस समय आए हुए हैं कुछ सामान के लिए। सर, आपका नाम? कुलविंदर सिंह। सर, कहाँ से हैं आप? गंजोगड़ी। सर, यहाँ पे किस लिए हैं? भाई, दुकान बंद करते थे, फिर सामान नहीं मिला, रात सारी रात जाग दे रहे, 10 मशीनों के पास गए, किसी ने सामान नहीं दिया। रात में कितनी दुकानें होंगी कंबाइन स्पेयर पार्ट्स? यही होंगे, 5-7 होंगे, हमने तो इसके पास ही आते हैं शुरू से। और आपकी जो आपकी अपनी खुद ही कंबाइन है? हाँ जी, खुद। तो क्या हरियाणा में करनाल में चल रही है? यहीं चल रही है, गांव में, गंजोगड़ी। सर, एक चीज और बताइए कि जो हरियाणा की मशीनें हैं वो तो जाती है दूसरे प्रांतों में, MP साइड में सारी आ गई, लगभग सारी। वजह क्या थी जाने का, मतलब फसल आगे पीछे होती है इस वजह से? यहाँ फसल अब पक गई, वहाँ उधर कटाई हो गया, खत्म हो गया काम, उधर से कटाई करके अब यहीं आ गए सारे। ठीक है, मतलब उधर का काम खत्म हो गया, खत्म हो गया यहाँ आ गए। ये देखिए, इनका ये कहना है कि जो कंबाइनें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाती हैं उनके पीछे एक कारण भी है, वो कारण ये है कि वहाँ पर कटाई का काम लगभग खत्म हो चुका है और यहाँ पर कटाई शुरू होनी है, कटाई हो रही है, इसलिए मशीनें वापस आ गई हैं। सर, एक चीज़ और है, आपकी कंबाइन पर लेबर भी होंगे? लेबर है, 3 बंदे हैं। 3 बंदे हैं। सर, जैसे सरकार ने ये कहा कि अगर आपकी कंबाइन महाराष्ट्र गई है, दूसरे क्षेत्र में गई है, दूसरे प्रांत में गई है, तो वहाँ पर जो लेबर आपकी आएगी उसकी सूचना प्रशासन को देनी? यहाँ की थी, मतलब बाहर नहीं गई। सर, इनकी लेबर शुक्र है बाहर नहीं गई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रशासन द्वारा यह सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी जिसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी बाहर से आ रहा है, उसकी सबसे पहले सूचना प्रशासन को दी जाए, प्रशासन उसकी मेडिकल जांच करवाएगा, उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ लक्षण मिलते हैं तो उसी के अनुसार उसका इलाज भी किया जाएगा। तो मैं बार बार समाचार एक्सप्रेस की तरफ से अपील करना चाहूँगा सभी कंबाइन वालों को, कंबाइन चालकों से, कंबाइन का स्पेयर पार्ट देने वाले मालिकों से, कि वह जो दिशा निर्देश सरकार ने उन्हें दिए उनका पालना करें ताकि सारा काम सुचारू रूप से चलता रह सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।